अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का प्रॉब्लम नंबर 5.1 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू द मून। एक छोटी लेज़र बीम जो है ज़मीन से चाँद की तरफ भेजी गई है, ठीक है। इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून। अगर यही बीम, यही शुआ चाँद पर पहुँच कर अपना जो डायमीटर बना दे, कितना, 2.50 मीटर का, तो हाउ मच स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। तो हमने क्या मालूम करना है, इस बीम का डाइवर्जेंस एंगल मालूम करना है, ठीक है। ज़मीन से लेज़र की एक शुआ भेजी गई है कहाँ पर, चाँद की तरफ। जब ये चाँद पर पहुँचती है तो वहाँ पर इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 2.5 मीटर हो जाता है। तो हमने क्या मालूम करना है, इस शुआ का डाइवर्जेंस एंगल मालूम करना है, जबकि हमें ज़मीन और चाँद का दरमियानी फासला बता दिया गया है, वो कितना है, 3.8 मीटर है। तो देखें, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका गिवन डाटा होता है। और डाटा हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से हासिल करते हैं, ठीक है। एक मरतबा हमें डाटा हासिल हो जाए तो हमारे लिए सॉल्यूशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, चूँकि हमें फार्मूला का अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाकर जवाब निकालना है। तो देखें, हमें जो है उस बीम का डायमीटर बता दिया, जो कि एक्चुअली क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे ज़ाहिर कर दिया, वो किसके बराबर है, 2.5 मीटर के बराबर है। और इसके अलावा हमें ज़मीन और चाँद का दरमियानी फासला बता दिया, उसको हमने आर ज़ाहिर किया, वो कितना है, 3.8 × 10^8 है। और हमने क्या मालूम करना है, डाइवर्जेंस एंगल मतलब थीटा मालूम करना है। तो देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप मैथ में भी पढ़ेंगे, एस इजिकल्स टू आर थीटा। थीटा किसके बराबर होगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आर को एस के नीचे ले जाना है, तो हमारे पास क्या आ गया, एस ओवर आर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एस की वैल्यू भी डाटा में दी गई है, 2.50 मीटर, और इसके अलावा हमें आर की वैल्यू भी जो है डाटा में दी गई है, वो कितनी है, 3.8 × 10^8 मीटर। तो आपने काम क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर पर वैल्यू इंटर करनी है 2.50, ठीक है। फिर आपने डिवीजन का साइन दबाना है, फिर आपने लिखना है 3.8, फिर आपने exp मतलब एक्सपोनेंट का बटन दबाकर 8 लिख देना है, और इक्वल का साइन दबा देना है, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 6.6 × 10^-9, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो डाइवर्जेंस एंगल है, किसका, लेज़र बीम का, जब वो कहाँ पहुँचती है, वो चाँद की सतह पर पहुँचती है। तो उम्मीद है आज का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मीटर मीटर से कट जाएगा, और थीटा का यूनिट आपने क्या लिखना है, रेडियन लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।